हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, दिस इज विनय पांडे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा इन्वर्स पे ही, लेकिन आज हम कॉलम ऑपरेशन से देखेंगे कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से अगर हमको इन्वर्स निकालना है तो कैसे निकालना है। स्टेप्स वैसे ही है जैसे हमने पहले लास्ट वीडियो में देखा था, उसी तरीके से स्टेप्स फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको a मान लिया था और आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी कि a को हम आइडेंटिटी इनटू a लिख सकते हैं। डिटेल में ज्यादा तो लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे। यहां ये जो मैट्रिक्स है, इस a की वैल्यू को आप रख लीजिए 4 3 3, -1 0 -1, -4 -4 -3, या आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये ए ऐसे रहेगा। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे थे तो सबसे पहला स्टेप था इसको 1 बनाना, फिर दूसरा स्टेप था कि इन दो रो को 0 बनाना। कॉलम ऑपरेशन में आपको क्या करना है, ऑपरेशन कॉलम के ही यूज करते हैं, पहले इसको 1 बनाना है और इसके बाद आप इन दोनों को 0 बनाएंगे, इसको और इसको। जैसे वहां हमने इन दोनों को 0 बनाया था, यहाँ इन दोनों को 0 बनेंगे, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग ऑपरेशंस लगाइए और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, C1 = देखिए यहाँ पे जो 4 है, 4 से इसको माइनस करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो पहले ये ऑपरेशन लगा देते हैं, C1 - C2, 4 - 3 1, -1 0, -1 -4, +4 0 3 0, -4 3 -1 -3 1, -1 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1, ये a। अब देखिए सबसे पहले स्टेप क्या था कि इसको 1 बनाना है, अब दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे ये भी 0 बन जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे ये भी 0 बन जाएगा, यानी कि C2 = C2 - 3C1, C3 = C3 - 3C1, दोनों में हम 3 से मल्टीप्लाई करके ही माइनस करें तो पहला कॉलम तो ऐसे रहेगा, 3 - 3 0, 0 - -3, एक माइनस पहले से है, एक माइनस ये वाला आएगा तो ये +3 हो जाएगा, -4 रहेगा, 3 - 3 0, -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, और ये -3 रहेगा, 1 - 1 0, 0 - 3 -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 0 -3 ये -3, एक मिनट, ये 1 है और इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, ये +4 रहेगा, और 0 - -3 ये +3 हो जाएगा और ये 1 रहेगा, और इनटू क्या आ गया, a। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 1 बनाया, फिर इन दोनों को 0 बनाया। अब हम क्या करते हैं, अब आपको जो पहले के स्टेप्स हैं वो यही फॉलो करना है कि आपको पहले उसको 1 बनाना है और फिर इन दोनों को 0 बनाना है, उसके बाद आप जो प्रॉपर्टी है वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो जैसे मैं C2, ये जो C2, ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, तो C2 से अगर मैं C3 को माइनस करूं, अब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑपरेशन लगा लीजिए, जरूरी नहीं यही ऑपरेशन आपको यूज करना है। 1 - 1 0, 0 रहेगा, 3 - 1 3 - 2 1, -4 + 3, -1 0 2 3 1, -3 + 3 0, 4 - 3 1, 0 - 1 - 1। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। तो अब हम इसके बाद क्या कर लेते हैं, C1 = C1 + C2, -1 + 1 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये वाला एलिमेंट हमको 0 मिल जाएगा। अगर हम इसको 0 बनाने चाह रहे हैं इसमें ऑपरेट करके, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो हम क्या कर लेते हैं C3 = C3 - 2C2,
देखिए बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, ऑपरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लगाइए, आपको इसको आइडेंटिटी बनाना है, किसी भी तरीके से इसके बाद आप बना सकते हैं। तो मैं इसको इसमें ऐड करके इसको जीरो बना दे रहा हूँ और इसको टू टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो ये भी जीरो बन जाएगा, तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, 100010 दो रो हमको मिल जाएंगे। इसके बाद ध्यान रहे कॉलम ऑपरेशन का ही मैं यूज करते हुए आ रहा हूँ इसमें। तो ये वन, ये जीरो, माइनस वन हो जाएगा, जीरो वन माइनस वन जीरो, टू माइनस टू ये जीरो हो जाएगा और ये थ्री, अच्छा ये करेक्ट कर लीजिए इसको, ये माइनस थ्री है, माइनस थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा, माइनस वन, और बाकी हम सी वन में सी टू ऐड करें तो वन प्लस जीरो वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये माइनस वन हो गया, जीरो वन माइनस वन, माइनस थ्री ये माइनस थ्री रहेगा, थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, वन प्लस टू, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा और इनटू क्या आ गया, ए। तो अब हम क्या करते हैं, वन जीरो 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 वन जीरो, इसको जीरो जीरो वन बनाना है। तो जीरो जीरो वन बनाने के पहले हम इसको सी थ्री को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस वन से, तो वन जीरो 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 वन जीरो, माइनस वन माइनस वन, और ये प्लस वन हो जाएगा, वन जीरो ये थ्री हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस थ्री हो गया, ए जीरो वन माइनस वन माइनस वन। तो इसके बाद इसमें अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये जीरो बन जाएगा, इसमें इसको ऐड कर दें तो ये भी जीरो बन जाएगा, यानी कि सी वन इक्वल टू सी वन प्लस सी थ्री और सी टू इक्वल टू सी टू प्लस सी थ्री, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन बन जाएगा, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, जीरो, एक मिनट, सी वन प्लस सी थ्री करें तो ये फोर हो जाएगा, जीरो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, सी टू प्लस सी थ्री थ्री, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, थ्री माइनस वन माइनस थ्री इंटू ए। जिस स्टेप में आपको लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मिलेगी उसी स्टेप में जो राइट साइड में मैट्रिक्स आएगी उसी को हमने ए का क्या बोला, इन्वर्स। तो ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से कैसे आपको इन्वर्स निकालना मैंने आपको बताया। किसी भी क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से आप या कॉलम ऑपरेशन से निकालेंगे तो आपका आंसर दोनों में सेम आएगा, ये प्रॉपर्टी है इसकी। और आपको कैसे आंसर वेरीफाई करना है मैंने आपको बताया कि ए और जो इन्वर्स आपका ये आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या वो आइडेंटिटी बन रहा है नहीं बन रहा। अगर आइडेंटिटी बन रहा है इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, अगर आइडेंटिटी नहीं बन रहा है इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पर आपकी मिस्टेक है। तो जो दोनों रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन में मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स कॉलम ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हुए यहाँ पे, इन क्वेश्चंस को आप कॉलम ऑपरेशंस का ही यूज करके सॉल्व करना है आपको, कॉलम ऑपरेशंस। और आपका आंसर कैसे वेरीफाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे भी सॉल्व कर लें जो आपने रो ऑपरेशन से सॉल्व किए उनको कॉलम से सॉल्व करके आप देखिए आपका आंसर करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। कॉलम वाले को कुछ रो ऑपरेशन का यूज़ करके सॉल्व करिए, अगर आपके दोनों से आंसर सही आ रहे हैं तो इट मींस आप एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। और जितने ज़्यादा इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा, उतने जल्दी आपके आंसर आ जाएंगे। तो मैंने जो ट्रिक बताई है उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जल्दी नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे।